चीट है बड़ा बेशरम आदमी है तू बे, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तेरी जगह कोई औरत अब तक मर जाता बे। मर जाएगा किसी के काम भी नहीं आएगा तू। मरने से पहले कम से कम किसी की तो भलाई कर जा। नागमणि दे जा मुझे, ले अभी आग बुझा देता हूँ। बोल, तुझे वो नागमणि कभी नहीं दूंगा। अरे तो मर के किसी के तो काम आ जा, भाग नागमणि दे जा मुझे। रितिक, रितिक, रितिक मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रितिक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रितिक, रितिक। तो प्यार तुम्हें इस मोड़ पर ले ही आया। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया? तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है नेवले। क्या करेगी तू? कैसे मारेगी मुझे? डसेगी मुझे? मेरे शरीर में अपना पूरा जहर डाल देगी? क्या करेगी तू? तू कुछ नहीं कर सकती है। तू अब नागिन नहीं है। मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूं और तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती है मेरा। कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शिवन्या, गलत है तुझे। क्या करते रही वो पहन शीशा नाक बन के आ जाएगी, वो मेरा कुछ बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी वो मेरा। जब तक वो आएगी तब तक मैं तुझे और तेरे आशिक को मार डालूंगा। मेरे पास नागमणि होगी और जैसे वो आएगी उसे खा जाऊंगा। अभी तुझे मैं मारने की धमकी दे रहा हूं, तू डर क्यों नहीं रही है? डर तो है तेरी आंखों में। मरने का डर नहीं तो किस बात का डर है? डर तो है तेरी आंख में, किस बात का डर है? तेरी आंख में उसकी मौत का डर है और उसकी आंख में तेरी मौत का डर। इसका मतलब कि सो मच लव यू। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख भाई, देख, अब तो तेरे को नागमणि लाके देनी होगी। आंखें खोलो और गौर से देख और ध्यान से सुन मेरी बात को। तुझे डर नहीं लग रहा है ना कि मैं तेरी जान ले लूंगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। लेकिन अब आंखें खोल और गौर से देख और ध्यान से सुन। अगर तूने मुझे नागमणि लाके नहीं देना तो अभी इसी वक्त तेरे सामने मैं तेरी इस माशूक को जान से मार डालूंगा। अबे तू विधवा बन जाएगा। नहीं, क्या होता है विदुर, तू विदुर बन जाएगा बे। तेरी पत्नी मर जाएगी, तू जिंदगी पर अकेला कैसे जिएगा? मैं तेरे को वैसे ही मार दूंगा बाद में। कम से कम किसी पे तो कुछ एहसान कर, मैं बेशरम कुछ तो कर। अबे आज तेरे पास पहली बार हीरो बनने का मौका मिला है। आज तक इसने नाखून भर के तेरी जिंदगी बचाई, आज पहली बार इसकी जिंदगी बचा ले। कम ऑन, बी अ मैन। मेरे पास आके तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उसकी जिंदगी बचाना चाहता ना, जिंदगी बचाना चाहता ना। अच्छा, चल चल, नागमणि, नागमणि। अच्छा तो तुम हो, तो मतलब इस लव ट्रायंगल के तीनों आशिक यहाँ मौजूद हैं। गुड, आज तुम तीनों को मारने में बहुत मजा आएगा। मजा तो मुझे आएगा, तुझे आएगा, तुझे। तू मेरे रितिक को मारेगा? मेरा रितिक है? ठीक है, आज मौत मौत खेलते हैं। पहले मैं आराम से तुझे मारने का मजा लूंगा और उसके बाद अब दोनों के प्लीज जाना मत, यही रहना। इसे निपटने के बाद मैं अब तेरे को प्यार से मारूंगा। बेटी के इसमें वही रहना।
यदि उसे कोई मार सकता है तो एक ही इंसान, और वो तुम हो शिवन। कब किसका खेल खत्म होता है और किसका शुरू, ये तो वही तय करते हैं जो इस मंदिर में बसते हैं, जिन्हें लोग महाकाल कहते हैं। तूने तन्वी को मारा, अमृता दी को चोट पहुंचाई, और आज तुझे लगा कि मेरी और ऋतिक की भी मौत आई है। मौत तो आई है, लेकिन हमारी नहीं, तेरी। आज इस शिव मंदिर में तू नहीं आया है, तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिव मंदिर से नागमणि चुराने वालों का अंजाम यही होता है। ऋतिक, रुक जाओ। शिवन्या, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ऋतिक, 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 मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋतिक, ऋतिक, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे लिए मैं यहाँ आई, तुम्हारे लिए मैंने चोट खाई। ऋतिक, शिवन्या, तुम ठीक हो ना? ऋतिक, दूर रहो मुझसे। ऋतिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऋतिक, ऋतिक, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। ऋतिक, लेकिन मैं शिवन्या से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। तुम मेरी शिवन्या की जगह कभी नहीं ले सकती, जानती हो क्यों? क्योंकि शिवन्या ने नागमणि को बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया, और तुमने नागमणि को पाने के लिए अपनों को खो दिया। क्या प्यार किया तुमने? प्यार तो मेरी शिवन्या ने किया है, प्यार का तो मतलब भी नहीं जानती तुम, और ना ही कभी जानोगी। चलो शिवन्या। मधुमक्खियां, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे अरे, गुरु माँ को मारने की कोशिश की थी। क्या है इनकी कहानी? ये सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है, पंचनहर की राजकुमारी यामिनी। कौन सी दीवार बाबा? ये कहानी सदियों पुरानी है, जब सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के बीच घमासान युद्ध हुआ करता था। उस नागमणि को पाने के और एक बार तो बहुत भयानक युद्ध हुआ सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बीच। वो युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। और आखिर हम सूर्यवंशी जीत गए और नागमणि के स्वामी, उसके रक्षक हम बन गए। पर महिष्मतियों ने हार नहीं मानी, उन्होंने कसम खा ली कि वो हमसे नागमणि लेकर रहेंगे।
सूर्यवंशियों, जीत का जितना जश्न मनाना है आज मना लो, मैं फिर लौट के आऊंगा और इस बार नागमणि मेरी होगी हर हाल में। मुझे आज भी याद है वो दिन, महिष्मतियों का राजा नागमणि पाने के लिए बरसों से तप कर रहा था। देवताओं को भी डर था कि वो अपनी साधनाओं से कोई बड़ा वरदान न ले ले, और यही एक डर हमें भी था। इसीलिए नागों के राजा ने हमारा साथ देने का फैसला किया और मणि की रक्षा के लिए शिवजी का घोर तप किया, और एक दिन शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। नागमणि की रक्षा के लिए सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच मैंने एक दीवार बनाई है। उस दीवार में तीनों लोकों की अद्भुत शक्तियां हैं। वो दीवार तब तक कोई नहीं तोड़ पाएगा जब तक नागवंश किसी इच्छाधारी नागिन को उसे तोड़ने की आज्ञा ना दे। और वो चंद्रवंश, वो महिष्मती बार बार नागमणि के लिए आना है, इसीलिए वो दीवार बनाए गए। हम ये दीवार तोड़ के रहेंगे। आएगा वो दिन सिर्फ एक दिन के लिए, जिस दिन एक इच्छाधारी नागिन हमारा साथ देगी। जय महिष्मते। और उस दिन हमने बहुत सारी मधुमक्खियां देखी उस दीवार पे। आज भी वो महिष्मते वो दीवार के उस पार रहते हैं। उस नागमणि को पाने के लिए हमें उन लोगों की मदद लेनी होगी जो दीवार के उस पार रहते हैं। उन लोगों को इस पार लाने के लिए हमें वो दीवार तोड़नी होगी, और ये काम सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही कर सकती है। तुझे ये सब कैसे पता? कैसे भूल गई कि मैं भी उसी घराने से हूं जो नागमणि की रक्षा करते हैं। लेकिन मुझे अपनी रक्षा करना है, इसलिए मुझे वो नागमणि चाहिए। और आप ये बहन उस दीवार को तोड़ेगी जो उसके भाई ने बनाई थी। बाबा, हम अकेले इतने सारे लोगों से कैसे लड़ेंगे? तुम्हें इतने सारों से नहीं, उसे एक इच्छाधारी नागिन से। जो दीवार तोड़ने आएगी वो दीवार नहीं टूटनी चाहिए। हम वो दीवार कभी टूटने नहीं देंगे बाबा। उस दीवार को तोड़ूंगी मैं। नागिन हूँ मैं। दो दिन बाद अमावस है, सिर्फ उसी दिन एक इच्छाधारी नागिन वो दीवार तोड़ सकती है। हमारी हवेली के उस पार एक जंगल है, उस मैदान में वो दीवार है। ऋतिक, हमें अभी वहां जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना बाबा। मुझे उस दीवार को देखना है, ले चल मुझे वहां। ये दीवार तो बहुत शक्तिशाली लगती है। मुझे शेषा को रोकना होगा। रुक जाओ शिवन्या, वो इच्छाधारी नागिने डस देगी तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पर शेषा वो दीवार तोड़ देगी। शिवन्या, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या दिख रही है? मेरा हाथ बाहर निकाल। किसने कहा था तुझसे अपना ये हाथ अंदर डालने के लिए?
कहा था एक इच्छाधारी नागिन ये दीवार तोड़ सकती है। देख एक एक बार उस चांद की तरफ देख, ये कोई वक्त है चांद दिखाने का? यही तो मैं कह रही हूँ तुमसे, चांद ऊपर आसमान पे है। अमावासी की उसी रात को कोई इच्छाधारी नागिन इस दीवार को तोड़ सकती है। उससे पहले तो इतना उछल क्यों रही है? ये ओवर एक्टिंग की दुकान, ज्यादा बोल मत और मेरा हाथ बाहर निकाल। ठीक है बाबा की बात सही थी, अमावस के पहले कोई इच्छाधारी नागिन भी ये दीवार नहीं तोड़ सकती। तो मर गई कैसे? नागिन को डसने चली थी ये महिष्मती की मधुमक्खियां। नहीं जानती थी बेचारी कि अगर मेरा जहर इन पे चढ़ेगा तो इन पर क्या असर होगा। मधुमक्खियां मर गई। मेरे बेटे के लिए तू सबसे परफेक्ट है। ये शहद देती थी, तूने इन्हें जहर दे दिया। Honey, I have stung the kids. इससे पहले कि हमें देख लें, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वो नागमणि शिवन्या के पास है या ऋतिक के पास, पर उन्हें हम ढूंढे कहाँ? गुरुदेव हवन कुंड में भस्म डालकर देख लेते थे कि कौन कहाँ है। मैं जानती हूँ कि वो कौन सी भस्म है। ऋतिक शिवन्या के बारे में पता लगाना है तो तुम्हें मेरे साथ शिव मंदिर चलना होगा। ठीक है चलो चलो। कैसे रोकेंगे शीशा को दीवार तोड़ने से? मैं रोकूंगी उसे। पर कैसे? ये बात तो वही बता सकते हैं। कौन? योगी राज। हमें शिव मंदिर जाना होगा ऋतिक। सिर्फ योगी राज ही बता सकते हैं कि शेषा को वो दीवार तोड़ने से कैसे रोकना है। चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो हमें नहीं देख सकता। मैं जाकर भस्म लेकर आती हूँ। पता नहीं वो भस्म कहाँ रखती गुरुदेव ने। और कितनी देर लगाएगी ये काली नागिन? अपने अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। ओम नमः शिवा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन?
बाबा हमें। मुझे लगा कोई और था। नहीं बाबा, हमारे सिवा यहाँ पर कोई और नहीं है। बाबा हमें आपकी मदद चाहिए। आप में शिवजी बसते हैं और आप शिवजी में। शेषा उस नागमणि को पाना चाहती है जो शिव की धरोहर है। वो दीवार को तोड़ के महिष्मति को इस पार लाना चाहती है। उस दीवार को जिसने सदियों से महिष्मति को रोक रखा है। अगर महिष्मति यहाँ आ गए तो विनाश आ जाएगा। आप ही बताइए कैसे रोके उस इच्छाधारी नागिन को उस दीवार को तोड़ने से। बाबा कोई तो रास्ता होगा ना शेषा को रोकने का। अब एक ही रास्ता है, इच्छाधारी नागिन को अगर दीवार तोड़ने से रोकना है तो उसे अपने वश में करना होगा। इच्छाधारी नागिन को अब सिर्फ एक ही वश में कर सकती है। कौन बाबा? महाकाली। गौरी का अवतार है काली, शिव की शक्ति है काली। शिव की धरोहर को रोकने के लिए स्वयं शिव को आना होगा। शिव की धरोहर की रक्षा स्वयं शिव की शक्ति ही कर सकती है। अब वही रोक सकती है शेषा को दीवार तोड़ने से। माँ काली को बुलाना होगा, उसे शिव की मणि के लिए आना ही होगा। उसे लाने के लिए तुम दोनों को महाकाली की पूजा करनी होगी, कल की रात ही करनी होगी। बहुत कठिन पूजा होगी ये। पापा, ये कितनी भी कठिन पूजा क्यों ना हो, हम दोनों ये पूजा अवश्य करेंगे। अंगद भैया, मेरा लैपटॉप। अरे आपका लैपटॉप तो मैं वो साई जी के रूम में भूल गई ना, कल मैं काम कर रही थी ना इसलिए। थैंक गॉड बच गई। कहाँ गया? जल्दी कर ओवर एक्टिंग की दुकान, हम नागिनों को रुकने की आदत नहीं है। हम यहाँ से क्यों आई हैं? और ये दरवाजा पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। आ गई तू? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। सुन, वो नागमणि ऋतिक के पास है और ऋतिक से वो नागमणि हमें हासिल करनी है, तभी तुम वो दीवार तोड़ पाओगे। अगर उन दोनों ने वो पूजा कर ली तो तुम वो दीवार कभी नहीं तोड़ पाओगे। कुछ भी कर, ये पूजा नहीं होनी चाहिए। काम तो ठीक से करती नहीं है, मुझ पर हुक्म चलाती है। पिछली बार शिपनिया को नहीं मार सकी तू, लेकिन इस बार मेरे वार से नहीं बचेगी वो। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो पूजा कैसे करेगी? और एक बार शिपनिया मर गई उसके बाद फिर ऋतिक सिर्फ तुम्हारा। उस नागमणि के लिए कहां से कहां तक पहुंच गए। पहले आंकी जी को रास्ते से हटाया,
ऋतिक जो मेरा बेटा है ही नहीं, उसे बेटा बेटा कहके बेवकूफ बनाया। शिवन्या को मारने की कोशिश की, ऋतिक को मारने की कोशिश की, और वो दोनों बच गए। लेकिन अब वो नागमणि उन दोनों से हमें लेनी है। गलती से भी कोई गलती ना हो, इस बार कोई गलती नहीं होगी। शिवन्या को सिर्फ ऋतिक बचा सकता है, जैसे पिछली बार बचाया था। इसलिए ऋतिक को शिवन्या से दूर करना होगा। ठीक है, तू जा, मैं भी आती हूँ। नागमणि के लिए ताई जी इतना नीचे गिर जाएगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसका मतलब है कि शिवन्या और ऋतिक की जान को खतरा है। तुम दोनों को जो करना करो, लेकिन मैं ऋतिक भैया का साथ दूंगा। मैं मॉम को ये पाप करने से रोकूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ उनसे बात करने। रुको अंगद भैया, पहले हमें भैया भाभी को मॉम के प्लान के बारे में बता देना चाहिए। हाँ। हमें उन्हें अलर्ट कर देना चाहिए। मैं जा रहा हूँ भैया और भाभी से बात करने, और तुम दोनों मॉम पे नजर रखना। हाँ। उन्हें पता ना चलने पाए कि हमें उनका प्लान पता है, वरना वो प्लान बदल देंगी। दिव्या, अब हमें अपनी पूरी नजर मॉम पे रखनी है। हाँ दी। चल मेरे साथ। मधुमक्खी की आवाज, तो तुम सबको मार दूंगी मैं, डस लूंगी तुम सबको। तुम्हारा मीठा शहद मेरे जहर को नहीं मार सकता। देखो, महेश्वरियों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, नागिन हूं मैं, वो इच्छाधारी नागिन जो वो दीवार तोड़ेगी जिसके टूटने का सदियों से इंतजार कर रही थी महेश्वरी। जाओ कह दो महेश्वरियों से कि ये इच्छाधारी नागिन उन्हें दीवार के इस पार लाएगी। जाओ, देख लो नागिन का ये रूप ही देख लो। अंगद, तू यहाँ क्या हुआ? भैया, माँ जैसी दिखती हूँ वैसी है नहीं, बल्कि मुझे तो उन्हें माँ कहने में भी शर्म आती। भैया, माँ भाभी को मार देना चाहती है, वो भी उस दूसरी नागिन के साथ मिलके। मैं सब जानता हूँ अंगद। आप जानते हैं कि हम लोग आपके सगे भाई बहन नहीं है, फिर भी आपके प्यार में कभी कमी महसूस नहीं हुई हमें। तू भी तो मुझे यहाँ वॉर्न करने आया ना, जब तुझे माँ की सच्चाई पता चले। वो मेरी नहीं पर तेरी तो सगी माँ है ना, फिर भी तू यहाँ आया, जानता है क्यों?
क्योंकि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। भैया लेकिन माँ आप दोनों की ये पूजा को होने नहीं देंगी, वो ये पूजा रोकना चाहती है। और ये हम होने नहीं देंगे। भाभी हमें प्लीज माफ कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। नहीं अंगद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो हम सबने समझा शिवन्या को। शिवन्या एक नागिन थी पर वो सिर्फ मेरी और नागमणि की रक्षा कर रही थी, और मैंने पता नहीं क्या, अब शिवन्या एक नागिन नहीं रही। लेकिन फिर भी हम किसी को भी वो नागमणि ले जाने नहीं देंगे। भैया नागमणि की रक्षा करने में हम लोग आपकी मदद करेंगे। मैं, दिव्या, अमृता दी, हम सब आपकी मदद करेंगे। हम माँ को रोकेंगे इस पूजा को रोकने से। आप लोग पूजा कीजिए। माँ की सच्चाई जानकर क्या बीत रही होगी मेरे भाई बहनों पर। वक्त बहुत कम है, चलो पूजा शुरू करते हैं। वो नागिन तुम दोनों पर वार करने की पूरी कोशिश करेगी। तुम दोनों में से कोई भी पूजा से उठना नहीं चाहिए। अगर एक भी पूजा से उठ गया तो दूसरा उठना नहीं चाहिए। चाप बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। बाबा कोई तो उपाय होगा उस नागिन को पूजा से दूर रखने का। यह शिव के रुद्राक्ष की माला है, नागिन इसे छूते ही पत्थर की तरह जड़ हो जाएगी। पर याद रखना नागिन किसी भी रूप में आ सकती है, उसे पहले पहचानना होगा। ऋतिक, शेषा पूरी कोशिश करेगी इस पूजा को रोकने की, वो हम दोनों में से किसी का भी रूप ले सकती है। अब तो तुम्हारे पास वो अंगूठी भी नहीं, ऋतिक हम भी सतर्क रहना होगा। कोई रास्ता तो ढूंढना होगा उसे पहचानने का। एक रास्ता है उसे पहचानने का, हम कोई ऐसी बात सोचते हैं जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता हो। मतलब जब मैं कहूं तो तुम वही जवाब देना जो सिर्फ हम दोनों को पता हो और किसी तीसरे को नहीं पता। जब जब मैं तुमसे कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो तुम कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर तुमने मुझसे ये बात पूछी तो मैं भी वही कहूंगी। अब हमारा उल्टा जवाब ही उस नागिन को सीधे रास्ते पर लाएगा। अब इस पूजा को होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब वक्त आ गया है ये पूजा रोकने का, पर उससे पहले मुझे तुम्हें रोकना होगा, तुम्हें शिवन्या से दूर करना होगा। कौन है, कौन है वहां? क्या कर रही हो ऋतिक? मैं हूं शिवन्या। तुम यहां? तुम जहां मैं वहां।
तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देती ऋतिक, डर लगता है। वो पूजा के लिए देर हो रही है, मुझे पूजा के लिए जल लेना। ऋतिक थोड़ी देर और रुको ना। शेषा पूरी कोशिश करेगी इस पूजा को रोकने की। हम कोई ऐसी बात सोचते हैं जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता हो, मतलब जब मैं कहूं तो तुम वही जवाब देना जो सिर्फ हम दोनों को पता हो और किसी तीसरे को नहीं पता। जब जब मैं तुमसे कहूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो तुम कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर तुमने मुझसे ये बात पूछी तो मैं भी वही कहूंगी। क्या सोच रहे हो? यही कि तुम शिवन्या हो या अभी पता चल जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सच्चे प्यार को कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नागिन भी नहीं। तुम कुछ भी कर लो, तुम ये पूजा रोक नहीं पाओगी। क्या हुआ? तुम तीनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज क्या बनाया आपने मां? ये ऋतिक यहां क्यों आया है? अच्छा हुआ तू आ गया। वैसे आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, दाल तड़का। तू बैठ, मैं लाती हूं। माँ को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोगों को सब पता है। मैं यहाँ उन्हें पूजा में जाने से रोकने के लिए आया हूँ। मेरे जाते ही हर घड़ी उन पर नजर रखना। ओके, आप चिंता मत करो भैया, हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ये रही दाल। वाओ, खाकर बताओ बेटा कैसी लगी? परोसी है ना? हाँ। ये खाना खाने तो नहीं आया है यहाँ, फिर क्यों आया है? पता लगाना होगा। यम्मी। क्या सोच रही हो मां? आओ बैठो, आप भी खाइए ना। बैठिए बैठिए। मैंने इसे खून परोसा था और ये मुझे दाल परोस रहा है। दाल में कुछ काला तो जरूर है। दाल में कुछ काला नहीं दिख रहा आपको? काली नागिन शेषा। मां,
पानी पानी। आप तो बड़ी डरपोक निकली, नागिन जहरीली है आपका बेटा रितिक। जिसने आपको ये पानी पिलाया, कहीं पानी में जहर तो नहीं मिला दिया? नागिन हूं मैं, काली नागिन शेषा। ये बताने आई हूं कि रितिक को मैंने कैद कर लिया और उसका रूप लेके यहां आई हूं ताकि पूजा में मैं बैठ सकूं और पूजा को भंग कर सकूं। जब आप जैसी कमीनी, मेरा मतलब है यामिनी, मुझे नहीं पहचान पाई तो बाकी लोग मुझे क्या पहचानेंगे? शिवन्या को भी यही लगेगा कि मैं रितिक हूं। बेटा एक निवाला ना मेरे हाथ से भी खा ले, ये ले। ज्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी। जिस काम के लिए आई हो जाकर वो काम करो, जल्दी जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया माँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मुझे जाना है। बेटा रुक जाओ ना। अरे मैं रुक जाऊंगा तो बहुत कुछ रुक जाएगा, मतलब मीटिंग के बाद तो आप ही के पास आना है ना। हाँ बेटा। अभी तो इसे रोक दिया है मैंने, पूजा होने तक ये पूजा में ना आए बस। मुझे वो आशीर्वाद दो जो दुश्मनों के काले साए का विनाश करते, उन पापियों को उनके पापों की सजा दे। अपनी वो तेज दो मुझे जो शिवजी की तीसरी आंख से निकली हो, जो नागमणि की रक्षा कर सके। जय मां काली, जय मां काली।